नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्रालय ने बताया है कि संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की तारीखें तय करने के लिए पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई थी। बीते दो वर्षों में संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में शुरू होकर जनवरी के पहले हफ्ते तक चला था। हरियाणा चुनाव वोटिंग से एक दिन पहले इंश्योरेंस एजेंट से 3 लाख की लूट, सुरक्षा के दावे की खुली पोल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पलवल में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जो सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। बता दें कि हसनपुर थाने से कुछ दूरी पर बने इंश्योरेंस ऑफिस में रविवार को 3 बदमाशों ने करीब 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश जारी है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में नक्सलियों ने एक व्यक्ति को मुखबिर होने के संदेह में मार डाला। महाराष्ट्र के गोंदिया में सालेकसा तहसील के मुरकुट डोहा में हाल ही में नक्सलियों ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाकर मार डाला। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने उस व्यक्ति की पहचान भागचंद धुर्वे के रूप में की और कहा कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि नक्सलियों को संदेह था कि वह मुखबिर है, क्योंकि इलाके में पुलिस अक्सर उसके घर के सामने लोगों के लिए कल्याण शिविर लगाती थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।